गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. परहैप्स यू हैव सीन अ बॉटल ऑफ एसिड इन योर हाउस. एसिड इज ऑफन यूज टू क्लीन थिंग्स. मैनी अदर थिंग्स इन योर हाउस और आर एसिडिक, फॉर एग्जाम्पल लेमन एंड विनेगर. ऑन द अदर हैंड मैनी थिंग्स लाइक टूथपेस्ट, सोप आर बेसिस. वट आर द एसिड एंड बेसिस एंड हाउ डू वी डिस्कस बिटवीन दैम. अपने घरों में, आपके घरों में जो एसिड की तो बॉटल आपने अक्सर देखी होगी. एसिड का जो यूज़ है वो क्या था, चीज़ों को साफ करने के लिए किया जाता है. ठीक है, जैसे कि लेमन और विनेगर. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे कि टूथपेस्ट है या सोप है, ये सब क्या है, बेसिस है. एसिड और बेसिस जो है, हम इन्हें किस तरीके से इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. टेस्टिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिस सब्सटेंस. वन ऑफ द वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिस इज यूज समथिंग नोन एज एन एसिड बेस इंडिकेटर. मतलब अगर हमें ये फाइंड करना है कि क्या चीज़ एसिड है या क्या चीज़ बेसिस है, तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर. अब एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? एन एसिड बेस इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस डैट गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिस मीडिया. जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें एसिड और बेसिस के संग क्या है, अलग अलग कलर देता है. मतलब एक पर्टिकुलर कलर से हम ये पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेसिस है. लिटमस एंड टर्मरिक एंड चाइना रोज एंड रेड कैबेज जूस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिस मीडिया. दे आर कॉमनली यूज इंडिकेटर. लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज और जो रेड कैबेज जूस है, ये सब क्या है, डिफरेंट कलर हमें देते हैं एसिड और बेसिस में. तो इसलिए जो इनका यूज़ है वो इंडिकेटर की तरह किया जाता है. लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम सर्टन लीचेंस स्मॉल प्लांट एंड यूज एज अ डायल्यूट सॉल्यूशन. जो लिटमस है ये हमें किससे मिलता है, लीचन एक स्मॉल प्लांट होता है उससे मिलता है. और ये क्या है, डायल्यूट सॉल्यूशन. अ ड्रॉप ऑफ इट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन हुज एसिड बेस्ड बिहेवियर इज टू बी फाउंड आउट. मतलब एक ड्रॉप जो है हम इसके उस सॉल्यूशन में डालेंगे जिसका हमें फाइंड करना है कि वो एसिड है या बेस है. इट टर्न्स रेड इन एसिडिक. एसिड में ये रेड हो जाता है, ब्लू में क्या हो जाता है, मतलब बेसिस में ये ब्लू हो जाता है. अल्टरनेटिवली लिटमस पेपर इज यूज. लिटमस पेपर इज अ फिंगर साइज स्ट्रिप ऑफ पेपर सोक इन लिटमस सॉल्यूशन एंड ड्राइड. ज़्यादातर जो है लिटमस पेपर का भी यूज़ किया जाता है इंडिकेटर की तरह. लिटमस पेपर क्या है, एक फिंगर साइज स्ट्रिप होता है पेपर का, जिसको लिटमस सॉल्यूशन में हम सोक करके फिर ड्राई किया जाता है. लिटमस पेपर ऑफन मोर कन्वीनियंट टू वर्क विथ. जो लिटमस पेपर है वो कन्वीनियंट होता है वर्क करने के लिए. ऑल्सो टर्न रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन बेसिस सॉल्यूशन. ये जो एसिड में क्या होता है, रेड हो जाता है, बेसिस में क्या होता है, ब्लू हो जाता है. अ न्यूट्रल सब्सटेंस इज नाइदर एसिडिक और बेसिस. जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिस होता है. इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ अ रेड और ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन. ये जो है, अगर हम ऐसे जो न्यूट्रल सब्सटेंस में अगर लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो कोई भी कलर नहीं देगा क्योंकि वो न्यूट्रल है. ठीक है. नाउ फिनोप्थलीन. अ डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थलीन इज अ कलरलेस केमिकल. जो फिनोप्थलीन का जो डायल्यूट सॉल्यूशन है वो कैसा है, कलरलेस केमिकल है, कोई कलर नहीं होता. इन एल्कोहल इज अनदर इंडिकेटर. मतलब ये भी एक इंडिकेटर है. इट टर्न्स रेड और पिंक इन बेसिस सॉल्यूशन. ये रेड या पिंक हो जाता है बेसिस के साथ और कलरलेस हो जाता है इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडिया. एसिड और न्यूट्रल मीडिया के संग ये कलरलेस हो जाता है. नाउ टर्मरिक जूस. द येलो टर्मरिक जूस टर्न रेडिश टू डीप ब्राउन इन अ बेसिस मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम. जो येलो टर्मरिक जूसेस होता है वो कैसा होता है, रेडिश हो जाता है और डीप ब्राउन होता है किसमें, बेसिस मीडियम में. और येलो रहता है किसमें, एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में. ठीक है. टर्मरिक पेपर इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज लिटमस. जो टर्मरिक पेपर होता है इसे भी जैसे लिटमस पेपर को प्रिपेयर किया जाता है उसी तरीके से इसे भी प्रिपेयर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज चाइना रोज जूस. दिस टर्न ग्रीन इन अ बेसिस मीडियम. जो चाइना रोज है ये कैसा होता है, ग्रीन रहता है बेसिस में और रेड हो जाता है किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में. नाउ रेड कैबेज जूस. रेड कैबेज जूस पर्पल इन कलर टर्न ग्रीन इन अ बेसिस मीडियम एंड रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन. जो रेड कैबेज जूस है वो कैसा होता है, पर्पल हो जाता है और ग्रीन हो जाता है जब बेसिस मीडियम के कांटेक्ट में आता है, और जो रेड हो जाता है जब ये एसिडिक मीडियम सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है. आइडेंटिफाइंग एसिडिक एंड बेसिस हाउसहोल्ड सब्सटेंस.
यूजिंग एन इंडिकेटर यू कैन ईजली आइडेंटिफाई सम हाउस होल्ड सब्सटेंस एज एसिडिक बेसिस और न्यूट्रल, मतलब किसी भी इंडिकेटर को जो हम यूज़ करते हैं तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो एसिडिक है, बेसिस है, न्यूट्रल है। सम सच टेस्ट मस्ट बी डन इन अ मॉइस्ट कंडीशन, ये जो सारे टेस्ट है वो मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं। सो फॉर टेस्टिंग सॉलिड यू वुड नीड टू डिजॉल्व देम इन वाटर, अगर आपको ये चेक करना है तो सबसे पहले इन्हें वाटर में डिजॉल्व करना पड़ेगा। द एसिडिक और बेसिस नेचर ऑफ अ सर्टन सब्सटेंस इज गिवन, यहाँ पे आपको टेबल में एसिडिक और बेसिस सब्सटेंस का नेचर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया एसिडिक में क्या है, बाथरूम एसिड, विटामिन सी टैबलेट, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, विनेगर, योगर्ट एंड फिजी ड्रिंक्स, ये सारे हमारे एसिडिक हैं। बेसिस में आ गया कम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि एंटी एसिड, टूथपेस्ट, सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड स्लेक टाइम एंड वाइट वॉश, ये सारे हमारे बेसिस सब्सटेंस हैं। नाउ एसिड एंड देयर बिहेवियर, यहाँ पे हम एसिड और उनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉर्ट थिंग्स वी ईट कंटेन एसिड, जितनी भी जो सॉर्ट थिंग्स होती है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, उनको एसिड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन एंड ऑरेंज कंटेन सिट्रिक एसिड, टोमेटो कंटेन ऑक्जेलिक एसिड एंड विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। जैसे कि हम लेमन और ऑरेंज खाते हैं तो हमें खट्टे में लगते हैं ना वो, क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड है। सिमिलरली योगर्ट कंटेन लैक्टिक एसिड एंड फिजी ड्रिंक कंटेन कार्बोनिक एसिड, इस तरीके से जो योगर्ट होता है उसमें क्या लैक्टिक एसिड होता है, फिजी ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। दीज एसिड आर माइल्ड इन एक्शन, ये कैसे होते हैं, माइल्ड होते हैं एक्शन में। इन कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 अमंग अदर आर मच स्ट्रॉगर इन एक्शन, ये जितने भी एसिड यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉगर होते हैं। दे आर नोन एज मिनरल एसिड, इन्हें हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। दे आर ऑफ बायोलॉजिकल एज वेल एज इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इनकी जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल है वैसी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। दे आर ऑफ बायोलॉजिकल एज वेल, मेक श्योर यू डू नॉट टच ऑनी ऑफ देम बाय, मेक श्योर कि आप इन्हें जो है टच ना करें। दे कैन कॉज वट आर नोन एज एसिड बर्न, क्योंकि अगर आप इन्हें टच करेंगे और ये आपकी स्किन पे अगर जरा से भी पड़ गए तो आपकी स्किन जो है बर्न हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एसिड बर्न। नाउ हाउ एसिड आर फॉर्म्ड, एसिड जो है किस तरीके से फॉर्म हुआ, एसिड आर फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट इन नेचर, जो एसिड है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में नेचर में जो है फॉर्म हुआ है। वैन रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटी दे आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मैथड, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वान्टिटी में चाहिए होता है तो उसे आर्टिफिशियल मैथड के थ्रू मिल सकता है। एसिड आर जनरली मेड बाय डिजॉल्विंग ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन वाटर, जो ज़्यादातर जो एसिड है वो हमें किससे मिलते हैं, जो जितने भी जो हमारे ऑक्साइड हैं नॉन मेटल उनको हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में। जैसे कि दीज ऑक्साइड, इन ऑक्साइड को हम बोलते हैं एसिडिक, बिकॉज वैन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिड, क्योंकि जब इन्हें डिजॉल्व करते हैं वाटर में ये एसिडिक बन जाते हैं। जैसे कि CO2 प्लस H2 दोनों को जब कंबाइन करके क्या बना, H2CO3, SO3 और H2 को कंबाइन करा तो क्या बन रहा है, H2SO4, 3NO2 और H2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन रहा है आपका NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 2HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस इन वाटर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किसका सॉल्यूशन है, वो हाइड्रोक्लोरिक गैस का वाटर में क्या सॉल्यूशन है। द HCl गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड, HCl गैस को हम वेरियस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में एंड डिजॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वाटर में क्या करते हैं डिजॉल्व कर सकते हैं किसे रिएक्ट करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए। सो स्टूडेंट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर।